कबीर एक बात बताओ। हाँ पूछो। जब तुम्हें मेरी याद आती है तब तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ। ओह सो स्वीट। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें मेरी याद आती है तुम क्या करती हो? मैं शराब पी लेती हूँ। माय फेवरेट है तो इसलिए। बड़ी खतरनाक हो रही। कबीर बैंक में खाता है? नहीं यार मैं बैंक में नहीं खाता, घर पे खाता हूँ। अब मैं पूछूं तेरा बैंक में खाता है? अच्छा वाला खाता पूछ रही तू? हाँ। अरे वो ना है यार, चल खुलवा दूँ तेरा। खुलवा दे। चल आमिर तुझे चाय पसंद है? हाँ यार मुझे चाय बहुत ही पसंद है। अच्छा तो चाय के लिए किस हद तक जा सकता है? अबे यार एक बार तो रिश्ता देखने चला गया था भाई साहब, फिर भी चाय नहीं दी उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक रख दी सामने को, तो मैंने मुंह से कहा उनसे भाई साहब चाय तो दो। अबे यार मुझे ना यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें ऐसा वैसा बोलती हूँ। यार तुम भी अपने अंदर ना थोड़े चेंजेस लाओ, पता नहीं कैसा कर देते हो माहौल, गुस्सा आ ही जाता है। मैं भी थक गया हूँ यार ये रोज रोज की बहस से, एक वक्त के बाद ना ताकत नहीं बचती बंदे में। वही तो, काश हम दोनों ये बात पहले ही समझ जाते, ना तुम उल्टा बोलते ना मैं तुम्हें जवाब देती। खैर चलो छोड़ो। अच्छा मैं ना मार्केट होकर आती हूँ, तुम बताओ तुम्हारे कुछ लेकर आना है? मैं भी चलता हूँ। नहीं यार वो चीकू सो रहा है ना, तुम उसका ध्यान रखना, मैं होकर आती हूँ। चलो जैसा तुम्हारा मन। चाउमीन खाओगे? तुम्हारे तो फेवरेट है ना। हाँ ले आना। हाफ लाऊं या फुल लाऊं? अकेले आदमी के लिए तो हाफ ही ठीक है, और अगर 100 पाइपर्स का ना मिला ना तो ब्लैक डॉग ले आना, और हाफ से ज्यादा उन्हें पैसे मत देना, साले एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। क्या बोला? क्या हुआ? दारू मंगाओगे मुझसे? तुमने ही तो कहा था अभी कि हाफ या फुल। तो वो तो मैंने चाउमीन के लिए बोला था। बोलते मैं लड़ाई करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, हरकतें देखी तुमने अपनी? आदमी को बताओ यार, दारू में है हर वक्त। पता है आज की डेट में जिसके पास पैसे है ना लोग उसी के साथ खड़े मिलते हैं, अब चाहे लालच कह लो या मजबूरी, पर सच यही है। सही कह रहे हो। बहुत टाइम पहले ना मैंने कहीं पढ़ा भी था, जिसके आंगन में अमीरी का पेड़ होता है ना उसके ऐप भी हुनर नजर आते हैं। बात में दम है भाई तुम्हारी। गहरी बातें करने लगी हो, इसका मतलब समझ तो तुम में है। समझ तो है का क्या मतलब है? आई एम इंटेलिजेंट गर्ल और तुमसे ज्यादा एजुकेटेड भी हूँ। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ना संस्कार भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल संस्कार तो है ही जरूरी। शादी के टाइम पे हमारी एक बुआ मजाक किया करती थी, अजय तू एक बहुत एजुकेटेड ले आया, अब एक संस्कारी भी ले आ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं संस्कारी नहीं हूँ। नहीं बुआ ने कहा था यार। अच्छा कौन सी बुआ ने कहा था ये? नाम तो याद नहीं आ रहा यार। अच्छा सुनो वो ना बाहर मेरे पार्सल आया हुआ है। अच्छा मेरे उठा के लाना। कुछ मंगाया था क्या तुमने? मिला था। यार यहाँ तो कुछ है नहीं पार्सल। नहीं जब तक तुम्हारी उन वाली बुआ का नाम याद नहीं आ जाता ना तुम्हें, बाहर ही खड़े रहना, घर में घुस मत जाना। यार ठंड है बहुत बाहर आकांक्षा, प्लीज यार सॉरी। सुनिए ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई छत पे जा रहे हैं विटामिन डी लेने। 4 दिन तक छत पर विटामिन डी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मायके गई है।